सच कहते हैं कि अगर सच्ची भावना से तथा सभी के मिलाप से कोई भी कार्य किया जाए तो सफलता और ऊंची हो जाती है। इसीलिए तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और इसी को स्थापना करने के लिए हमारे पास SC ST डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्थापित हुई है, जिसके तहत 26,50,000 रुपए की लोन की व्यवस्था हमारे SC ST बैकवर्ड क्लास लोगों को पहुंचाई गई है। इससे ये सुनिश्चित किया गया है कि हर एक इंसान में समानता हो, कोई भी वर्ग, कोई भी श्रेणी, कोई भी बड़ा छोटा पीछे ना छूटे, हर किसी का ध्यान रखा जाए, ताकि हमारा भारत इंक्लूसिव इंडिया बने। और यही तो है सही मायने में गणतंत्र राज्य। यहीं पर सभी जाति धर्म के लोग, छोटे बड़े सब समान हो, जहां कानून सबके लिए बराबर हो, जहां सभी प्रकार में एकत्रिता हो, मिलजुल कर रहे, ऐसा ही तो है हमारा भारत। इसी को और बढ़ाते हुए और आगे बढ़ाते हुए हमारे विकसित भारत की योजना हुई, जिसके तहत प्रण लिया गया कि भारत को 2047 तक, जब भारत वर्ष की स्वतंत्रता का 100 वर्ष पूरे होंगे, भारत से विकसित भारत बने। और इसी के हेतु विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन हुआ, जो जिसके तहत भवान में अनेक कैंप लगे, ताकि कोई भी इंसान पीछे ना छूटे, सरकार की हर योजना सब तक पहुंचे, चाहे वो आवास योजना हो, किसान योजना हो, उज्ज्वला उजाला योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, क्रेडिट कार्ड स्कीम हो, स्वनिधि हो, गरीब कल्याण योजना हो, आयुष्मान हो, जल जीवन मिशन हो, हर घर जल हो, सुरक्षा बीमा योजना हो, मुद्रा योजना हो, तेजस्विनी हो, अथवा विश्वकर्मा नई जो स्कीम है ये वो हो, इत्यादि इत्यादि अन्य स्कीम हो, ताकि वो हर घर हर नागरिक तक पहुंचे और कोई भी वर्ग कोई भी इंसान पीछे ना छूटे। यही तो है गणतंत्र राज्य। ये सुनिश्चित करता है कि हमारा भारत का हर एक नागरिक आत्मनिर्भर हो, सबका साथ हो, सबका विकास हो। गणतंत्र का अर्थ है समानता, परंतु सबसे बड़ी समानता है शिक्षा के क्षेत्र में। इंसान की सफलता की पहली सीढ़ी शिक्षा है, तथा शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं, बल्कि शिक्षा ही जीवन है। इसीलिए आज के दिवस पर शिक्षा में समानता की बात करना बहुत ही जरूरी है। हमारे विभाग में पिछले एक साल में कई कक्षाओं का निर्माण हुआ, प्राइमरी स्कूल सामक सूजनदार, थेरी कोट, मिडिल स्कूल चौरा कोट, हाई सेकेंडरी स्कूल टोट, इत्यादि में नई कक्षाओं का निर्माण हुआ, ताकि वहां से यहां तक और यहां से और ऊपर तक का रास्ता आपके लिए आसान हो, आप और ऊंचाइयों तक पहुंचे, सबको समानता मिले शिक्षा के क्षेत्र में। और रोजगार को पंख देने हेतु, केवल शिक्षा ही नहीं, रोजगार को पंख देने हेतु स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर भगदार में स्थापित किया गया, जिससे न केवल आप सबको रोजगार मिलेगा, आप सबकी आमदनी बढ़ेगी, परंतु आप सबका जीवन भी और सफल होगा। न केवल शिक्षा, परंतु RDD, PWD जैसे डिपार्टमेंट्स ने भी हमारे विभाग में अनेकों उपलब्धियां हासिल की हैं। RDD डिपार्टमेंट ने 111,00,000 रुपए इस तहसील भूमाग में लगाए हैं, खर्च किए हैं और इससे उन्नति की है। उदाहरण के तौर पर कम्युनिटी फैसिलिटी सेंटर, बाथिंग घाट, प्ले ग्राउंड और अनेकों वाटर टैंक्स इत्यादि इत्यादि चीजों का निर्माण किया है। ये सब प्रगतिशील कदम आप सभी नागरिकों को, हर क्षेत्र में हर नागरिक को सहूलत देने हेतु है। हमारा भूमाग, हम सभी जानते हैं, हमारा भूमाग तहसील के रूप में 2014 में उत्पन्न हुआ, परंतु आज हर क्षेत्र में प्रगति है। जहां लोग पहले पैदल चल के भूमाग में जाया करते
पहुंचते थे, कोने कोने तक पहुंचते थे, आज हर जगह रोड है। और ऐसे ही नई रोड और भी बनाई जा रही हैं ताकि हर एरिया, हर एक जगह आसानी से पहुंच सके। उदाहरण के तौर पर जो नई रोड बनी है सरमेगा से सारनपुरा, सुजनदार से गब्बर रोड, तथा सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे लगता है और आप सभी नगरवासियों को लगता है कि डंगाकोट से मोहाली तालाब तक की रोड जो नई बन रही है, उसका टेंडर जो पास हुआ है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आप सबकी इच्छा अनुसार वहाँ पे तहसील ऑफिस बन सकता है, आपके ऑफिसर आपके एरिया में बैठेंगे, रोड होगी, कनेक्टिविटी होगी, तो सब वहाँ पे आएंगे। इसकी मुबारकबाद आप सभी को। पीएचई डिपार्टमेंट ने भी करीब 10 प्रोजेक्ट तहसील भुमाग में शुरू किए हैं, जिसमें से 2 पूर्ण हो चुके हैं और इन सबकी टोटल कुल मिला के लागत 16,000,00,000 रुपए है। आपके भुमाग में, हमारे भुमाग में इतनी लागत हमारे सभी डिपार्टमेंट लगा रहे हैं ताकि यहाँ पे उन्नति हो, हर नागरिक को जल मिले। लगभग 1100 नए कनेक्शन देने का दावा किया जा रहा है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी कोई पीछे नहीं है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो सब ऑनलाइन हो चुका है, अब आप सबको जरूरत नहीं है बार बार तहसील ऑफिस के चक्कर काटने की, अब आप सबको जरूरत नहीं है बार बार पटवार हल्के के चक्कर काटने की, अब सब कुछ ऑनलाइन है। आप घर बैठे अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं और फिल किए हैं फॉर्म को देख सकते हैं कहाँ पे वो फॉर्म पहुंचा है, कहाँ पे एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, कहाँ पे कहाँ पहुंचा है। आप अपने घर बैठे ये काम खुद कर सकते हैं। ना केवल आपका टाइम बचेगा परंतु आपकी मेहनत और आपका पैसा दोनों बचेंगे। हम सभी जानते हैं कि विकास चाहे कितना ही हो परंतु वह अधूरा है स्वास्थ्य के बिना, क्योंकि पुरानी कहावत है जान है तो जहान है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे भुमाग में स्वास्थ्य विभाग की करीब 12 बिल्डिंग्स हैं और वहां पे ऑन स्पॉट सुविधाएं उपलब्ध हैं। आयुष्मान भारत कार्ड जिसके तहत आप सबको 5,00,000 रुपए प्रति वर्ष मिलते हैं, ऐसे कार्ड 1584 बट चुके हैं आप सब हम तहसील वासियों के बीच में। 60% कवरेज है आयुष्मान भारत की, जो 40% बची है मैं अनुरोध करती हूँ यहाँ पे उपस्थित सभी से कि वो भी एनरोल करें और इस इतनी अच्छी योजना का फायदा उठाएं। अब बारी है हमारे किसान भाई बहनों की, जिनके बिना हमारा गुजारा नहीं है। किसान हैं, अन्न उगाते हैं, हम खाते हैं, नहीं तो कुछ नहीं। खेती के क्षेत्र में भुमाग में लगभग 20,000 की आबादी में से 70% से ज्यादा लोग खेती में जुड़े हुए हैं। इससे पता चलता है कि खेती कितना महत्वपूर्ण क्षेत्र है हमारे भुमाग के लिए। आज एग्रीकल्चर सेक्टर में करीब 1800 लोगों में प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत साल में 6,000 रुपए की किस्तें दे दी गई हैं। आप समझ सकते हैं 2,000 रुपए हर 4 महीने बाद। बलबीर सिंह और आप देख रहे हैं कि आज कुछ लोगों को इस वक्त जिला रियासी के सेरसोंडवा हाई स्कूल में है और यहाँ पर गणतंत्र दिवस धूमधाम से बनाया जा रहा है। ये लाइव गुजरात जीके एक्सप्रेस के माध्यम से देख रहे हैं, देख सकते हैं।
मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर तहसीलदार महकमा हाजन पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा 2270 केसीसी कार्ड बन चुके हैं, जिसके तहत आप किसान भाइयों को लोन की सुविधा मिलती है ताकि आप रोजगार प्राप्त करें, आत्मनिर्भर बने। पावर टिलर्स जो कि खेती के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसे पावर टिलर्स को बांटा गया है 3 लोगों में 40% की सब्सिडी पर। और आप क्या चाहते हैं? इसके अलावा एग्रीकल्चर का दूसरा भाई हॉर्टिकल्चर सेक्टर, उसने भी बहुत ही उपलब्धि हासिल की है हमारे तहसील भमाग में। पूरी डिस्ट्रिक्ट में पहला, पूरी डिस्ट्रिक्ट रियासी में पहला प्रोजेक्ट, रिवाइज मॉडिफाइड हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट लगाया गया है साड़ी में, जिसके तहत 10 कनाल में हाई यील्डिंग वैरायटी इंपोर्टेड सीड सेब के लगाए जा रहे हैं। इसकी यील्ड भी बहुत अच्छी है, इसकी फसल भी बहुत अच्छी है और इसके स्वाद भी बहुत अच्छा है। पूरे J&K में ऐसा दूसरा प्रोजेक्ट है कश्मीर के बाद, और पूरे डिस्ट्रिक्ट रियासी में पहला प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट के तहत सबसे ज्यादा सब्सिडी किसानों में को मिल रही है, 1,10,750 रुपए पर कनाल। इतनी ज्यादा सब्सिडी और किसी स्कीम में नहीं है, और ऐसी स्कीम किसके पास है? हमारे भमाग के पास। आगे बढ़ते हुए मैं भमाग के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर रोशनी डालना चाहूंगी, जो है बकल ब्रिज। हमारे भमाग की शान बन गया है वो सौंदर्य, अति उत्तम टूरिज्म में इतना हमारे प्रोग्रेस होगी तथा इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा, यहाँ पे लोगों को बूस्ट मिलेगा, ना केवल आमदनी बढ़ेगी परंतु आप सभी का, हम सभी का लाइफस्टाइल भी चेंज होगा। हमारा भमाग का जो बकल ब्रिज है आज रिपब्लिक डे पे, गणतंत्र दिवस पे बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। हमारे भमाग की शान है हमारा बकल ब्रिज। भमाग के सबसे विशेष तथा सबसे अनमोल चीज जो मुझे लगी, यहाँ पे आए हुए मुझे 6 महीने हुए हैं, और जो सबसे अनमोल चीज मुझे जो लगी वो है यहाँ के मेले, नाग देवता मेला, सूजनधार मेला, भांगन देवता मेला। ये मेले शहर की हवा में गुम हो चुके हैं, लेकिन यहाँ ये मेले दर्शाते हैं एकत्रिता को, सभी लोगों के मिलाप को, सभी के समानता को। हर कोई मिलजुल के उन मेलों में आते हैं, अपना मिलजुल कर सहयोग देते हैं। यही तो है गणतंत्र, और यही हमारे छोटे से भमाग में गणतंत्र का सही मतलब दर्शाते हैं। ऐसी योजनाओं को जारी रखने के लिए मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, सीखें और इसको जारी रखिए ताकि हम मजबूत भारत के लिए हर चुनौती का सामना एकजुट होकर करें, संविधान के सिद्धांतों का पालन करें, देश के विकास में अपना योगदान दें तथा सुनिश्चित करें कि इसका लाभ हमारे समृद्ध भारत के हर कोने और हर निवासी तक पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मैम। ने बहुत सारा एक भमाग इस पूरी तहसील का विकास कैसे हो सकता है और क्या क्या योजनाएं जहां पे चल रही हैं और आने वाले समय में हम क्या कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजों की जानकारी जो है इन्होंने दी है।
यह पहली बार हुआ है कि हमारे इस विभाग में सभी डिपार्टमेंट्स मिलकर के, जिसमें पीडब्ल्यूडी, रूरल एग्रीकल्चर, जल शक्ति विभाग, पीडीडी, पुलिस डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट मिलकर के इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। यह कार्यक्रम तहसीलदार मैम के नेतृत्व में और उनके दिशा निर्देश के अनुसार ही यह संभव हो सका है। इसके लिए मैं पूरे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी इस भूमा की जनता की तरफ से मैम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनका स्वागत भी करता हूं कि उन्होंने एक नया इनिशिएटिव लिया और ये इसके बाद लगातार ऐसा चलेगा। इसी विश्वास के साथ अभी हमारे यहां बीच में शेरसुंदवा पंचायत के सरपंच अमरनाथ जी, लमसोरा पंचायत की सरपंच रेखा जी, एक्स सरपंच रेखा जी, नायब सरपंच सुजनधार से तेज सिंह जी, उनके साथ बहुत सारे प्रमुख इस विभाग के